धर्मनगरी अयोध्या में योगी सरकार के 8वें दीपोत्सव को लेकर तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। प्रशासनिक खेमे के अलावा डॉक्टर राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय ने भी इस दिशा में युद्ध स्तर पर कार्य शुरू कर दिया है। दरअसल इस बार दीपोत्सव कुछ खास ही होने वाला है। इसमें झारखंड के 150 आदिवासी भी दीप जलाने के लिए पहुंच रहे हैं। यह आदिवासी स्वयंसेवक के रूप में घाटों पर जुटेंगे। आपको बता दें कि अयोध्या में 2017 से राम की पैड़ी पर दीपोत्सव की शुरुआत की गई थी, जिसके बाद से यहां दीपोत्सव के जरिए प्रतिवर्ष नए कीर्तिमान स्थापित हो रहे हैं। ऐसे में इस बार मुख्यमंत्री ने 25 लाख दिए जलाने का ऐलान किया है, जिसके लिए 28 लाख दीपों को सरयू नदी के किनारे तटों पर बिछाया जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद अयोध्या नगरी को सजाने के काम शुरू कर दिए गए हैं। इसके तहत ही दीपोत्सव के नोडल अधिकारी डॉक्टर एसएस मिश्र ने बताया कि हमारी तैयारियां तेजी से चल रही हैं। इस बार श्रीराम भव्य महल में विराजमान हुए हैं, इसलिए दीपोत्सव को और भी भव्य तरीके से मनाया जाएगा।